अबा यालेन अंकल डेफिनेट फूफो का रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं। हाँ बेटा। आप हाँ कह देना, वो अच्छे इंसान है। अच्छा तुम्हें तो मैं बताता हूँ मेरे बच्चे। फिर से आ गया यार। कसम से अब तो हद हो गई है तुमसे यार। जब देखो मुंह उठा के घुस आते हैं। ये ना खिड़की से बाहर फेंक देगा। हाँ। देखा जाए तो कुछ ज्यादा हो रहा है अब ये भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि आज रात हम तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आ रहे हैं। क्या? चिल्लाओ नहीं यार, तुम तो पहले ही मरवा दोगी। हाँ यकीन ही नहीं आ रहा मुझे, उन्हें कैसे मनाया। दानिश और दानिया का शुक्रिया। एक मिनट रुको, लेकिन भाई राजी नहीं होंगे यार। चल अब जल्दी करो। क्या बातें हो रही थी यहाँ? पुलात तुम पागल हो गए हो क्या? वहां क्या देख रहे हो? खुला समंदर देख रहा हूं मैं। और आदम तुम यहां अंदर कैसे आए? मैंने आने दिया दरवाजे से। अच्छा खैर, तैयार हो जाना तुम, आराज फैमिली आ रही है रिश्ता मांगने के लिए। रुक जाओ सब, बस एक मिनट, ये कोई ख्वाब तो नहीं था? आरास फैमिली रिश्ता लेने के लिए आ रही है शाम में, तो मुझे तैयार हो जाना चाहिए। तो फैल भाई मुझसे अभी अभी ये कहकर गए हैं क्या? हाय मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इनके जैसा इंतहाई खड़ूस इंसान इतनी आसानी से हम दोनों के रिश्ते के लिए मार कैसे गए? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, कहीं ऐसा है क्या? आज शाम रिश्ते वाले आने वाले हैं। खामोश, चुप हो जाओ। दादी जान। बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची। नहीं नहीं सुनो, ये पागल यहाँ क्या कर रहा है, कहाँ से आया ये? अरे दादी जान आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, आज से दोबारा आपकी वही कड़वी बातें शुरू। बहुत खुश हूँ, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, आप चले मेरे साथ बाहर बैठे। आग से खेलने का शौक है क्या तुम्हें? अब दोबारा इस घर में इस खिड़की से मत आना, समझे तुम? सीधी तरह दरवाजे से रिश्ता लेकर आओ, और शराफत से मेरी बहन को रुखसत करके ले जाओ यहाँ से। ठीक है जा रहा हूँ, आज रात में मिलते हैं, ठीक है? जल्दी जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हो गया काम। अरे चले भी जाओ आप।